बिग बॉस 15 में कल जहां पर न्यू वाइल्ड कार्ड एंट्रीज हुई, जिसमें रश्मि देसाई, देबुलीना, रितेश और राखी सावंत नजर आए। जैसे ही ये चारों जन अंदर गए, हर एक के बारे में वो बताते हुए नजर आए कि आप बाहर से ऐसे दिख रहे हो। वहीं पर शमिता शेट्टी कहीं ना कहीं बैकफुट में जाती नजर आई। शमिता राजीव से ये कहते हुए नजर आई कि मैं ट्रैप होती नजर आ रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा कि मेरे नेगेटिव पॉइंट्स को ज्यादा से ज्यादा नेशनल टेलीविजन पर उछाला जा रहा है। मेरे में पॉजिटिव भी है, लेकिन उस बात को किसी ने भी नहीं बताया। नेगेटिविटी ही बताई जा रही है कि तुम डोमिनेट करती हो, तुम अपनी ही बातें मनवाती हो, तो ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। और ये बात कहते ही राजीव ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम है ना तुम्हारे साथ। निशांत ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम है ना तुम्हारे साथ। लेकिन शमिता बहुत ही ढीली हो जाती है जब ये चारों एंट्री करते हैं। इवन रात को राखी के हस्बैंड रितेश भी ये बात करते हुए नजर आते हैं राखी सावंत से कि शमिता ने कुछ नहीं कहा, शमिता इतनी चुप क्यों हो गई। राखी ने कहा कि आप बात करोगे तो वो बात करेगी, आपको तो शमिता बहुत पसंद है तो आप जाकर क्यों बात नहीं करते। लेकिन इसके पीछे का रीजन यही है कि उन्होंने, शमिता ने यही कह दिया कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि ये लोग आए हैं घर के अंदर। साफ साफ जाहिर सी बात है कि ये चारों गेम देखकर आए हैं और अब टारगेट किया जाएगा हर एक उस बंदे को, हर एक उन कंटेस्टेंट को जिनको ये चार वाइल्ड कार्ड एंट्रीज पसंद नहीं करती। तो शमिता को एक सेंस आती है कि वो अब मेरे नेगेटिव पॉइंट्स को पूरा का पूरा उछालने की कोशिश करेंगे। और वही चीज प्रोमो में भी दिखाई दी है कि देबोलीना डायरेक्ट शमिता को इस बात के लिए टोकती है उस टास्क के दौरान, जहां टास्क दिया जाता है कि आप लिटरली में डोमिनेट करते हो, और शमिता भी उसके ऊपर शाउट करती नजर आती है। अब तो ये आज के एपिसोड में देखते ही बनेगा। आप कितने एक्साइटेड हैं इन वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के साथ? क्या आप भी देखना चाहते हैं कि वाइल्ड कार्ड एंट्रीज अब बिग बॉस 15 हाउस में क्या धमाका करते हैं? क्या शमिता बैकफुट में चली जाएगी? क्या शमिता का गेम स्लो हो जाएगा? देखते हैं बिग बॉस 15 के हाउस में। आप कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।